नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस ताजा तरीन वीडियो में। बता दें कि देश और दुनिया से कई मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, ताजा हेडलाइंस निकल कर आ रही हैं, जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो में हम एक एक करके बताने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहें। तो इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस लाल बटन को दबा दीजिए और बगल में इस बेल की घंटी को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से हमारी सभी खबरों का सिलसिला। तीसरी लहर आ चुकी है, हम संकट के मुहाने पर खड़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया बड़ा दावा। कोरोना महामारी के बीच ही मुंबई से ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी खबर। मुंबई में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बीएमसी का बड़ा फैसला। व्हाट्सएप अलर्ट 2022, इस साल इन स्मार्टफोन्स पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप, कहीं आपके पास भी तो नहीं है ये फोन, जान ले पूरी खबर। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर पर आई ताजा खबर, अब 634 रुपए में मिलेगा एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, फटने का भी नहीं रहेगा खतरा। वहीं आम जनता को नए साल के मौके पर भी लग सकता है बड़ा झटका, अभी और महंगाई हो सकती है खाने पीने की चीजों में। नए साल में बिस्कुट, आटा, दाल और चावल के भी बढ़ सकते हैं दाम, कंपनियां कर रही हैं तैयारी। राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर, यूपी राशन कार्ड धारियों के लिए आई खुशखबरी, अब अनाज के साथ ही मुफ्त में मिलेगी चीनी। राहत भरा सोमवार, पेट्रोल और डीजल के नए रेट हुए जारी, सबसे सस्ता डीजल 77 रुपए 13 पैसे में और सबसे महंगा पेट्रोल 100 रुपए के पार। झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ एक्शन में सरकार, नाइट कर्फ्यू और स्कूल कॉलेज बंद करने की तैयारी, जान ले पूरी खबर, कौन कौन से राज्यों में लगेंगे लॉकडाउन, लागू की जा रही है नई पाबंदियां। वहीं जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी, जनधन खाता धारकों को मिल रहे हैं 1,30,000 रुपए, बस जल्दी कर लें ये काम। अब 28 फरवरी तक जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को दी बड़ी राहत। बिहार में मोटी कमाई करने का मौका दे रही है सरकार, प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर मिलेगी 3 लाख रुपए की मदद, इस तरह आप भी करें आवेदन। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में योगी सरकार भेजने वाली है 1,000 रुपए, अगर आपका भी बना है ई श्रम कार्ड तो मिलेगा फायदा। बंगाल हरियाणा में भी बंद हुए स्कूल, झारखंड में भी बंद होंगे कॉलेज और स्कूल, जान ले अपने राज्यों का हाल। पंजाब रेजिमेंट में सेना की बड़ी भर्ती, 10वीं पास युवाओं के लिए निकलने वाली है बंपर भर्तियां, 63,000 रुपए तक मिलेगा प्रति माह वेतन। वहीं बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए आई काम की खबर, यूपी में 100% माफ होगा बिजली के बिल पर लगने वाला ब्याज, जान लीजिए पूरी योजना के बारे में। वहीं बदल गया है बैंक से जुड़ा हुआ बड़ा नियम, अब 10,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, लग सकता है बड़ा झटका। वहीं IRCTC की तरफ से भी दी गई बड़ी खुशखबरी, इंडियन रेलवे ने आज से कर दिया है बड़ा बदलाव, अब बिना रिजर्वेशन करें सफर, मिलेगी बड़ी सुविधा। वहीं दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने वाहन अब सड़क पर नहीं दिखाई देंगे, सरकार ने रद्द किए कई रजिस्ट्रेशन, अगर आपका भी गाड़ी है 10 से 15 साल पुरानी तो जान ले पूरी खबर, नहीं तो लग सकता है भारी भरकम जुर्माना। हरियाणा में भी कोरोना की फुल स्पीड, 5 जिलों में बंद हुए स्कूल और कॉलेज, थिएटर पर भी लगे ताले। नए साल पर जियो ने आम जनता को दिया बड़ा झटका, बंद कर दिए हैं कई सस्ते प्लान, 1 रुपए वाला प्लान लॉन्च करने के बाद फिर से किया बंद। वहीं नव वर्ष की शुरुआत में ही आम जनता को लगा एक और बड़ा झटका, इन चीजों के दामों में आई गिरावट, तो वहीं खाने के तेल, न्यूट्रेला और डालडा के दामों में आई बड़ी गिरावट। वहीं देश में किशोरों का भी शुरू हुआ वैक्सीनेशन, 15 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को भी 3 जनवरी से लगना शुरू हुआ कोरोना का टीका। पीएम किसान योजना के तहत आई बड़ी अपडेट, अब EKYC करवाने की नहीं है कोई जरूरत, फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने देश के करोड़ों किसानों के खाते में भेज दी रकम, 2,000 रुपए नहीं मिले हैं तो फटाफट करें शिकायत। तो इन्हीं सभी खबरों की जानकारियां दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहें। तीसरी लहर आ चुकी है, हम संकट के मुहाने पर खड़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कही गई बड़ी बात,
जी हाँ, बता दें मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण ने अब सरकार को चिंता में डाल दिया है। बता दें रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर चिंता जताई है। बैठक में उन्होंने कहा है कि हम संकट के मुहाने पर खड़े हैं, कोरोना की तीसरी लहर के संकेत दिखाई दे रहे हैं, केस बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हमें इससे निपटने की तैयारी रखनी होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर जिले में जरूरी दवाओं और इंजेक्शन का एक महीने का स्टॉक होना चाहिए। वहां फीवर क्लिनिक दोबारा से शुरू करें। हर जिले के हर ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर की स्थापना भी की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के सैंपल टेस्ट तो बढ़ाए ही, साथ ही साथ सुनिश्चित करें कि सैंपल की कोरोना की रिपोर्ट 24 घंटे में ही आ जाए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 3 महीने के लिए प्राइवेट अस्पतालों से कॉन्ट्रैक्ट भी करने की तैयारी की गई है। बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी से 31 मार्च तक किया जाएगा। वही व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ा अलर्ट, 2022 इस साल इन स्मार्टफोन्स पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं इन फोन्स का इस्तेमाल? जी हाँ, बता दें व्हाट्सएप ने 2022 को लेकर ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट जारी की है जिनमें ये ऐप नहीं चलेगा। आपको बता दें कि अगर आपके पास भी इनमें से कोई स्मार्टफोन होता है तो अब आपको नए स्मार्टफोन में बदलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। बता दें कि व्हाट्सएप की तरफ से समय समय पर ऐसे फ़ोन की लिस्ट जारी की जाती है जिनमें हर साल कोई ना कोई ऐसा बदलाव किया जाता है जिनमें व्हाट्सएप नए फीचर्स के साथ में नहीं चलता है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की तरफ से ऐसी ही एक लिस्ट जारी की गई है उन फोन्स की जिनमें इस साल व्हाट्सएप नहीं चलेगा। बता दें कि व्हाट्सएप की तरफ से एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की गई है, इनमें फोन्स के नाम बताए गए हैं। बता दें कि इनमें सबसे ऊपर HTC Desire 500 फोन रखा गया है। इसके अलावा Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend Lite 2 और Samsung Galaxy S3 Mini के अलावा भी Sony Xperia, साथ ही साथ Huawei, इसके अलावा Lenovo के भी कंपनी के कई फोन्स रखे गए हैं। साथ ही साथ Apple का भी पुराना मॉडल का फोन भी रखा गया है जिनमें इस साल व्हाट्सएप नहीं चलेगा। वहीं LPG रसोई गैस सिलेंडर पर बड़ी अपडेट, अब 634 रुपए में मिलेगा LPG रसोई गैस सिलेंडर, फटने का भी नहीं रहेगा खतरा। जी हाँ, आपको बता दिया जाए कि अगर आप रसोई गैस की कीमतों के बढ़ने के चलते परेशान हो चुके हैं तो अब आपके लिए नए साल में राहत पाने की खबर आ चुकी है। बता दें कि अब आप महज 634 रुपए में एक नया और LPG रसोई गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मार्केट में नए प्रकार का LPG कंपोजिट गैस सिलेंडर आ चुका है। ये एक गैस सिलेंडर ऐसा गैस सिलेंडर है जो कि 14.2 kg वाला जो आपके घरों में रसोई गैस सिलेंडर आता है उससे बहुत हल्का भी बताया जा रहा है, जिसकी वजन मात्र 10 किलो का रहने वाला है। बता दें कि कंपोजिट गैस सिलेंडर मात्र आपको 634 रुपए में मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें फटने का भी कोई आशंका नहीं रहेगी और मार्केट में आपको इसे मात्र 634 रुपए में खरीद सकते हैं। बता दें कि इसमें आपकी गैस जो है मात्र 10 किलो आएगी और इसकी कीमत अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में अलग अलग बताई जा रही है। वहीं देश की आम जनता को अभी और लगेगा बड़ा झटका, महंगाई करने की तैयारी में है कई कंपनियां, बिस्कुट आटा दाल चावल के भी बढ़ेंगे रेट। जी हाँ, बता दें गुजरते साल के साथ ही साथ नए साल की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में देश में अभी आम जनता को और भी बड़े झटके लग सकते हैं। बता दें कि देश में बिस्कुट से लेकर आटा दाल शैम्पू तक के रेट में अभी और बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। बता दिया जाए कि उपभोक्ताओं के सामान खरीदने के साथ ही साथ आटा दाल चावल यानी कि रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के दामों में बड़ी महंगाई कंपनियां कर सकती हैं और कंपनियों की तरफ से देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब यहां पर इन सभी दामों में बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है। बता दिया जाए कि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी आटा दाल चावल, इसके अलावा जो भी यहां पर रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली खाने पीने वाली चीजें हैं उनके दामों में बड़ी तैयारी यहां पर महंगाई करने की कर ली गई है। सरसों के तेल में भी बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी खबर निकल कर आई है। वहीं अब 28 फरवरी तक जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को दी है बड़ी राहत। जी हाँ, बता दें पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। पेंशन भोगियों के लिए अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। बता दें कि पेंशन भोगियों को अभी तक जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर 2021 तक जमा कराना था, लेकिन इस तारीख को अब और आगे बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अब आप अपने जीवन प्रमाण पत्र को 28 फरवरी 2022 तक जमा करवा सकते हैं। बता दें पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने इस समय सीमा बढ़ाने की घोषणा को कर दिया है। वहीं बिहार में मोटी कमाई का मौका दे रही है सरकार, प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर मिलेगी 3 लाख रुपए की मदद, आप भी करें आवेदन। जी हाँ, बता दें परिवहन विभाग द्वारा संचालित प्रदूषण जांच प्रोत्साहन योजना के तहत प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने को लेकर सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अगर आप भी आवेदन करते हैं प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए तो सरकार आपको
3 लाख रुपए की मदद दे सकती है। बता दें कि जहां पेट्रोल पंप होता है, जहां पर वाहन सर्विस सेंटर होते हैं, वहां पे आपको अपना एक प्रदूषण जांच केंद्र खोलना होगा। अगर आप पूरी तरीके से सुचारू रूप से अपना प्रदूषण जांच केंद्र खोल लेते हैं तो सरकार आपको 3 लाख रुपए की मदद देती है। और ये पूरी तरीके से आवेदन करने के लिए सरकार की तरफ से 12वीं पास मांगा जा रहा है। अगर आप भी आवेदन करते हैं तो आप भी इसके लिए 3 लाख रुपए पाने के हकदार हो सकते हैं। वहीं कोरोना महामारी के बीच ही उत्तर प्रदेश के कामगारों के लिए सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। ई श्रम कार्ड बनवा चुके कामगारों के खाते में योगी सरकार भेजने वाली है 1,000 रुपए। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दैनिक भत्ता मजदूरों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से श्रमिकों को हर महीने भरण पोषण के लिए 500 रुपए देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब आपको बता दें कि एक इसी क्रम में आज करीब 1.5 करोड़ मजदूरों के बैंक खातों में 2 महीने का बड़स भरण पोषण भत्ता एक साथ भेजे जाने की तैयारी कर ली गई है। बता दें कि यहां पर उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ मजदूरों के खाते में 2 महीने का एक साथ भरण पोषण भत्ता 1,000 रुपए भेज दिया गया है। बता दें ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए साल 2022 का ये पहला भत्ता होगा जो कि यूपी अनऑर्गेनाइज्ड वर्क्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के ओर से दिया जाएगा। तो अगर आप भी यूपी के रहने वाले मजदूर, कामगार, रिक्शा चालक या फिर किसी प्रकार से श्रमिक हैं तो आपको सरकार ने यह फायदा भेज दिया है। आपके खाते में पहुंचा है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वहीं काम की खबर, उत्तर प्रदेश के युवाओं और साथ ही साथ बिजली बिल उपभोक्ताओं को सरकार दे रही है यूपी में बिजली बिल पर लगने वाले 100% ब्याज पर छूट। आप भी उठाएं फायदा। जी हाँ, बता दें कि काफी समय से बिजली बिल उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी छूट नहीं मिली थी। इसी बीच बता दें कि सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के बिजली बिल उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज पर 100% छूट का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, यदि आपका भी बिजली का बिल कई महीनों से जमा नहीं हुआ है तो आप भी अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं और उस पर लगने वाले ब्याज को 100% माफ करवा सकते हैं। इस दिनों सरकार की तरफ से आपको एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है।